हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सांगला के बाद हमने चितकुल के लिए बस ली जो कि 2.5 आवर्स की थी फ्रॉम सांगला। रास्ते में हम एक गांव में रुके, वहां पे शायद शादी चल रही थी, पता नहीं कोई फेस्टिवल था। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट इट। गति भी हम निकालते हैं नहीं तो मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि जर्नी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है डेस्टिनेशन से। ये बात मुझे यहाँ पे सही लगी क्योंकि इतने अच्छे व्यूज़ थे ना रास्ते के, हर बार सीनरी बदल रही थी, हर लाइक आधे घंटे में सीनरी वॉज चेंजिंग। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। हेलो गाइज, वेलकम टू द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, चितकुल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही अच्छी जगह है। मैं सांगला से यहाँ आई, 2 घंटे लगे बस में, तो उसके आते आते जो सीनरी चेंज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आज एक्सप्लोर करते हैं चितकुल। वहाँ पे जब हाइट थी, जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरी सांस फूल रही थी। मे बी बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, इतना ज़्यादा मतलब एल्टीट्यूड होने की वजह से मे बी नॉर्मल पर्सन के लिए वहाँ मतलब सांस फूलना नॉर्मल होता है। और लेकिन व्यूज़ थे वो बहुत ही अमेजिंग थे, इट वॉज़ वर्थ इट। अभी मैं बस स्टॉप से नीचे ट्रैक करके जा रही हूँ जहाँ पे मेन लोकेशन है। देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है, एक्सप्लोर करते हैं। रिवर के साइड है, बहुत ही अच्छा व्यू है, मैं आपको जाके दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है स्कूल। वाओ, कितनी अच्छी लोकेशन पे है। अगर मेरा स्कूल ऐसा होता तो मैं संडे के दिन भी पढ़ने आती। गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। वाओ, इट्स ऑसम। एंड द व्यू फ्रॉम देयर। सारा कुछ एक्सप्लोर करने के बाद हम चाय पीने पहुँचे आखिरी हिंदुस्तान के ढाबे में। यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं और यहाँ की चाय मस्ट ट्राई है, बहुत ही अच्छी थी। मैं रिकमेंड करूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइज, हम सांगला चितकुल सारा कुछ एक्सप्लोर करके आ गए हैं। मैंने सांगला वाली वीडियो में आप लोगों को बताना शुरू किया था कि मेरा बस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं आप लोगों को
डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस दोनों बताऊंगी. लेट मी थिंक अबाउट एडवांटेजेस. एक्चुअली देर आर नो एडवांटेजेस. मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैं पहले बाइक पे आई हूँ, गाड़ी में आई हूँ. आई नेवर ट्रैवल्ड इन बस. सो बस में क्या था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आती है प्रॉब्लम वॉशरूम की, क्योंकि वो अपने स्टॉप्स पे रोकते हैं, आपको बार बार वॉशरूम की प्रॉब्लम आती है. अगर कहीं आपको लाइक खाना भूख लगी है, लेकिन वो पर्टिकुलर अपने ही स्टॉप्स पे रुकेंगे, वो हो जाता है. और इतना हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि हम जब आ रहे थे सांगला टू शिमला, हमें गूगल मैप दिखा रहा था कि 7-8 घंटे लगेंगे, लेकिन हमें यहाँ पहुँचते 12 घंटे लग गए. हम बहुत ही हैक्टिक हो गए. मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए हैं, मैं आज के बाद बस में ट्रैवल नहीं करूँगी, ये मेरा था. अब हम मॉल रोड एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था बॉडी को, क्योंकि सीधा चंडीगढ़ भी नहीं जा सकते थे. तो आगे से अगर आप न्यू कमर हो, मैंने ज़्यादा ही फुकरी में मैंने अपने आप को चैलेंज दे लिया था कि मैं ट्रैवल लाइक बस में भी करके देखूँगी कैसा होता है. बट इट वॉज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस. मैं इतनी थक चुकी हूँ ना, 4-5 दिन का ट्रैवल था, मुझे ऐसे लग रहा है मैं महीने से ट्रैवल कर रही हूँ. बाकी मैं आपको शिमला का नाइट व्यू दिखाती हूँ. Forget to subscribe to my channel and see you next time at a new place. Take care.